तुमने कनिष्क की हत्या करने का प्रयास किया। हाँ महाराज, दोषी मैं। फिर तो कोई संदेह नहीं कि तुम एक देशद्रोही हो। तुम्हें कल समस्त पौरव राज्य के समक्ष नगर के मध्य दंडित किया जाएगा। तब तक तुम बंदी रहोगे, भोजन नहीं, जल नहीं, हर प्रहर 50 कोड़े मारे जाएंगे तुम्हें। मैं सोने की चिड़िया का सिर पिए पर लेकर नहीं जाऊंगा फारस, बल्कि इस पूरी चिड़िया पर अपना कब्जा करूंगा। शिकार करेगा फारस का ये बात इस सोने की चिड़िया का, और तब तक नोचूंगा इसे मैं जब तक इसका सारा सोना खत्म न हो जाए। तुमने अपना अपराध स्वीकारा है राजकुमार पुरुषोत्तम, इसलिए हम पौरव राज बमनी तुम्हें देशद्रोही मानते हुए दंड का आदेश देते हैं। और वो दंड है सारी प्रजा के मध्य फांसी। इसी क्षण साफ साफ बताइए, क्या है मेरे अलेक्जेंडर का मुकद्दर? इंसान का मुकद्दर उससे बनता है जिसे वो चुनता है, और अलेक्जेंडर ने कयामत तक की जिंदगी नहीं, कयामत के बाद तक की शोहरत चुनी है। नाम चाहिए उसे, और नाम सस्ता नहीं होता, नाम का मुआवजा देना पड़ता है, शोहरत की कीमत चुकानी पड़ती है। अलेक्जेंडर को शोहरत मिलेगी जरूर, सदियों तक लोग उसे याद करेंगे, मगर मगर क्या? अगर वो पूरब की तरफ गया तो मैसेडोनिया कभी नहीं लौटेगा। कुछ लौटेगा तो सिर्फ उसका नाम। अपनी कामयाबी का जाम उठाने के लिए कि जिस्म में जान नहीं रहेगी, अपने जलाल की खुशबू लेने के लिए उसके पास सांसें नहीं बचेंगी। कहना क्या चाहती है कि मेरा बेटा, ज्यूस का बेटा भारत में मारा जाएगा? मैंने ये नहीं कहा कि वो भारत में मारा जाएगा। लेकिन हाँ, वो भारत से लौटकर कभी नहीं आएगा। होशियार रहना ओलंपिया, अलेक्जेंडर को भारत मत जाने देना। अगर वो अपने मुकद्दर से मिला तो सब फना हो जाएगा। वो मुहाफिज
अलेक्जेंडर को अपना ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दे। हम सब मिलते हैं एक मकसद से, लगता है हमारा मिलने का भी मकसद पूरा हुआ। मैं डेल्फी जा रही हूं, अलविदा ओलंपिया। कि मैं एक देशद्रोही हूँ और मैंने अपनी मातृभूमि के साथ छल किया है तो यही सही। मैं हूँ एक देशद्रोही। बांधो से और चढ़ा दो फांसी पर। वालों, मैं हूं अलेक्जेंडर मैसेडोनिया का शाह। और जल्द ही पूरी दुनिया पे मेरी हुकूमत कायम होगी। तुम्हारे हाकिम ने मुझसे बगावत करने की जुर्रत की, मुझे शाह मानने से इनकार किया और जब मैंने उसे शिकस्त दी तब अपनी और अपनी आवाम की जान बचाने के लिए उसने ये जंग रोक दी। मुझे शाह मानना कबूल किया लेकिन इसमें गलती सिर्फ तुम्हारे हाकिम की नहीं, गुनाह में तुम सब शामिल हो क्योंकि तुमने अपने हाकिम की उस बगावत में उसका साथ दिया जो उसने मेरे खिलाफ छेड़ी थी। हमारी जिंदगी बख्श कीजिए शाह अलेक्जेंडर, बख्श कीजिए। हमारे बीवी बच्चों की जिंदगी बख्श दीजिए हुजूर। अब आप ही हमारे खुदा हैं। रहम हुजूर, रहम, 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 रह
हमें माफ कर दीजिए हुजूर। मैं सिर्फ उन्हें माफ करता हूं जो मेरे साथ खड़े हों, ना कि उन्हें जो मेरे खिलाफ खड़े हों। हम आपको भगवान मान चुके हैं, अब आप ही हमारे खुदा हैं। आज मैं दुनिया के सामने वो मिसाल कायम करूंगा जिसके बाद कोई मेरे सामने सर ना उठा सके। तुम लोगों का अलेक्जेंडर के खिलाफ खड़ा होना एक पैगाम था सारी दुनिया के लिए। अब तुम्हारा अंजाम मेरा पैगाम होगा सारी दुनिया के लिए कि जहां अलेक्जेंडर खड़ा होता है वहां और कोई खड़ा नहीं हो सकता। रहम हुजूर, रहम, रहम हुजूर, रहम। कत्ल कर दो सबका, मेरे खिलाफ बगावत की कहानी सुनने के लिए कोई नहीं बचना चाहिए। अगर दोबारा जिंदगी मिले तो इस सबक के साथ पैदा होना कि हुकूमत उसी की होती है जिसमें ताकत होती है। जब हम जंग जीत चुके थे तो इस सब की क्या जरूरत थी अलेक्जेंडर? एक जंग जीत कर तो कोई भी भगवान बन सकता है फेस्टियन, मगर सारी दुनिया का खुदा बनने के लिए शैतान बनना पड़ता है। खौफ दुनिया की सबसे बड़ी मजबूरी है, मगर वही खौफ एक काजी के लिए हथियार होता है। अब जब थीव्स के अंजाम की कहानी मैसेडोनिया के बाहर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर ओर पहुंचेगी तो लोग भगवान को छोड़कर मेरे सामने सजदा करेंगे। इसलिए जाओ और हर बागी को पैगाम दो कि शाह अलेक्जेंडर का हुक्म है कि अपनी सारी फौज लेकर फारस की ओर कूच करें। और देखना, जो काम शाह फिलिप की तलवार ना कर सकी वो अलेक्जेंडर के नाम का खौफ कर दिखाएगा। शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद।